हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 23 दिया हुआ है और एक्स वाई इक्वल टू 26 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखना है किस फॉर्मूले में आता है, अलजेब्रा के किस फॉर्मूले में आता है। ये हमारे दो जगह आता है, एक आता है हमारा x प्लस वाई के होल स्क्वायर में आता है, दूसरा x माइनस वाई के होल स्क्वायर में आता है। दो जगह आता है, इसका जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ये तो हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ, लेकिन हमें एक्स प्लस वाई दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई, मतलब ये वाला नहीं लगेगा, लगेगा कौन से ऊपर वाला, तो इसको हटा देते हैं नीचे का। अब लगाते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिए हम, किसको लिख देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 6 2 12, 2 3 1 3 5 2 9। तो ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा किसका, 23 का। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ये 26 रख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 529 माइनस 2 इंटू 26, मतलब कि 529 यहाँ पे 126 है, सॉरी यहाँ पे 126 ले लीजिए, तो आपका आंसर बुक का मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 126 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 252 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 227। तो यही हमारा आंसर है, 227। समझ में आया किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।